तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये लेवल क्या टिकेगा, और ये लेवल है 22,000 का लेवल। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि 22,000 के ऊपर हम लोग टिकेंगे, और ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ इंडियन इकोनॉमी का कि अब हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अब ये देखिए किस तरह से 22,000 के ऊपर हम टिकने में सक्षम हुए हैं। 22,000 के नीचे खुले ऊपर खुले थे ठीक, लेकिन फिर वहाँ से हम ऊपर आए और 22,000 के ऊपर ही हम लोगों ने सस्टेन किया। अब क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी या ये रैली यहीं थम जाएगी, नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, आइए समझते हैं। तो फ्राइडे के सत्र में हुआ क्या, 22,040 पे हम बंद हुए। 129 पॉइंट का शानदार रिकवरी था। निफ्टी नेक्स्ट 50 400 पॉइंट बढ़ा, 58,586 पे बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 120 पॉइंट बढ़ा, 11,021 पे बंद हुआ। निफ्टी बैंक 165 पॉइंट का रैली किया, 46,384 पे बंद हुआ। निफ्टी फाइनेंशियल 56 पॉइंट बढ़ा, 20,472 पे बंद हुआ। विप्रो, एसबीआई लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो जैसे दिग्गज 3 से 5% बढ़े। ये जो शेयर्स होते हैं ये निफ्टी 50 के होते हैं, तो ये सारे शेयर्स अब देखेंगे एक दिन बढ़ता है एक दिन गिरता है, लेकिन आपका पैसा कभी कम नहीं होगा, इसलिए कभी भी आप इन लोग शेयरों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये निफ्टी 50 के बैकबोन है, इंडिया के जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन है। गिरने वाले शेयर्स थे ये भी देखिए निफ्टी 50 के होते हैं, ये पावर ग्रिड, ब्रिटेनिया, एसबीआई, रिलायंस, एनटीपीसी, ये भी दिग्गज हैं जो एक दिन गिरते हैं दूसरे दिन बढ़ जाते हैं, तो ये इसी में मार्केट घूमता है। और वॉल्यूम भी देखिए काफ़ी हैवी वॉल्यूम देखिए विप्रो में देखने को मिला है, ये तेजी शायद और ऊपर ले जाए, 5% का तेजी दिखाया है यहाँ पे। तो ये हुआ फ्राइडे के सत्र में किस तरह से मूवमेंट किया है। अब आते हैं कि निफ्टी किस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है मार्केट में। अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे मंथली चार्ट पे निफ्टी को देखिए, यहाँ पे वीकली चार्ट को देखिए, यहाँ वीकली चार्ट, यहाँ डेली चार्ट, यहाँ डेली चार्ट। तो निफ्टी का देखिए डेली चार्ट, डेली चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, ये 22,000 के लेवल पे हम दो दिन क्लोजिंग किए हैं, दो डोजी बना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्राइडे को भी डोजी बना है ये, और थर्सडे को भी डोजी बना है, यानी बायर में भी कन्फ्यूजन है और सेलर्स में भी कन्फ्यूजन है। अब जब डोजी बनता है, डोजी जब बनेगा, देखिए यहाँ भी एक डोजी बना था और ये डोजी था, ये था वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे को भी डोजी, और इस तरह का ये मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है बायर में भी सेलर्स में भी। अब मार्केट में थोड़ा सा अगर ये 22,113 के ऊपर निकलता है, 22,113 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मार्केट में एक बड़ा सा बूम आएगा, और ये बूम ले जाएगा मार्केट को फिर 22,400 का लेवल भी ले जाएगा, जो साइकोलॉजिकल लेवल है 22,500 तक भी ले जा सकता है। तो अगला वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उसको क्या करना होगा, डेली टाइम फ्रेम पे टिकना होगा। जैसे ये टिक रहा है 22,000 के ऊपर, देखिए टिक रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कितना बार टिका, एक दो, यहाँ देखिए ये 22,000 का एक रेसिस्टेंस बना रहा है, यहाँ पे देखिए बनाया है 3, इधर 4, यहाँ देखिए एक सपोर्ट बनाया है 1 2। तो 22,000 के ऊपर जो रेसिस्टेंस जो ये है, ये अगर सपोर्ट बन जाएगा और 22,100 के ऊपर निकल जाएगा, तो फिर हमें 22,300 22,500 का लेवल भी जल्द ही मार्केट में देखने को मिलेगा, ये निफ्टी से समझ में आ रहा है। अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक गिरावट होगी, गिरावट देखिए अभी तो गिरावट कभी भी हो सकती है, बड़ा रेड कैंडल कभी बन सकता है नो डाउट। तो कभी भी रेड कैंडल बनता है तो कहाँ तक सपोर्ट और बन सकता है मार्केट में, ये देखिए सपोर्ट जो है निफ्टी का अगर गिरावट होती है तो 22,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। ये देखिए ये जो लेवल है 22,800,
22,800 क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट लिया है। ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट, ये देखिए रेजिस्टेंस, 1, 2, 3, यहाँ पे देखिए फिर सपोर्ट, 1, 2, यहाँ फिर देखिए रेजिस्टेंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो मार्केट को अगर गिरना होगा तो कहाँ तक गिरेगा, वो गिरेगा 21,800 तक। अगर वो भी ब्रेक कर देगा तब फिर 21,500 का लेवल में एक मेजर सपोर्ट है। तो गिरने का भी चांसेस है, नो डाउट। अगर बड़ा रेड कैंडल बनता है तो 21,800 में थम सकता है या फिर 21,500 पे। तो ये हुआ डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी दिखा रहा है। अब हम बैंक निफ्टी को भी थोड़ा समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या रणनीति बनेगी और क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये बैंक निफ्टी का है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये बैंक निफ्टी का है और फिर हम मंथली मंथली ये मंथली ये वीकली ये वीकली। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को भी समझ लेते हैं, निफ्टी में क्या रणनीति बन रहा है, क्या प्राइस सेटअप बोल रहा है। आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा 22,000 का जो लेवल है ये काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, 22,040 का लेवल। ये देखिए मल्टीपल टाइम इसको रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 22,040 को एक रेसिस्टेंस दे रहा है मार्केट, एक सपोर्ट का काम ये तब करेगा जब इसके ऊपर निकलेगा। अब ये जो कैंडल ईस्ट वीक बना है ये देखिए डोजी काइंड ऑफ कैप पैटर्न बनाया है, अगला वीक इसके ऊपर का कैंडल बनना चाहिए, 22,040 के ऊपर का कैंडल अगर बनता है तभी हम यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा हमें। फिर 23,000 का लेवल भी कोई नहीं रोक सकता है, 23,000 का लेवल भी हम जा सकते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है, ये 22,040 का जो लेवल है इसको क्रॉस करना होगा तब मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा 23,000 का लेवल तक। यहाँ पर भी गिरावट अगर होती है तो ये जो कैंडल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ पर भी 21,800 का मेजर सपोर्ट है। ये देखिए ये कितना बार रेसिस्टेंस लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हफ्ते से, 7 वीक से ये 22,000 को एक रेसिस्टेंस के रूप में टच करके आ जा रहा है। और अगर मार्केट यहां से नीचे आती है तो ये 21,800 का लेवल होगा जिसे मार्केट ने सपोर्ट एक का काम किया है, ये है 21,800। 21,800 का लेवल भी कितना वीक इसको रिस्पेक्ट दिया है, सपोर्ट का काम किया है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार भी ये भी काम किया। और अगर इसको भी मार्केट तोड़ता है तो मेजर सपोर्ट आपका दिखेगा 21,500 पे जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर भी देखिए मेजर यहाँ पे सपोर्ट कितना बार दिया है मार्केट ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस दिया 1, 2, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस 21,800 पे बन रहा है। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो 21,800 तक आएगी, फिर उसके नीचे 21,500 तक आएगी। ये क्लियरली हमें निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अब फटाफट हम थोड़ा आ जाते हैं मंथली टाइम चार्ट क्या कहता है, निफ्टी का मंथली चार्ट क्या कह रहा है। तो मंथली चार्ट को हम ओपन कर लेते हैं, ये वीकली चार्ट हो गया है। तो मंथली चार्ट क्या बोल रहा है आइए समझने की कोशिश करते हैं। और ये मंथली चार्ट हम खोल लिए, मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे 22,040 का लेवल को एक मार्केट रेसिस्टेंस दे रहा है और इसका अगर आप डाटा देखिए क्लियरली मार्केट अपसाइड, हायर हाई हायर हाई हायर लो
फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है। अब यहाँ पे 22,040 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है फिर हमें 23,000 का लेवल देखने को मिलेगा। नीचे की ओर गिरता है मार्केट तो 21,500, 21,000, यहाँ पे देखिए 700 और 21,500 का लेवल भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो क्लियरली मार्केट में दिख रहा है कि हायर हाई का फॉर्मेशन मार्केट क्रिएट कर रहा है और नेक्स्ट मंथ यानी अगले, अभी तो मार्च फरवरी चल रहा है, फरवरी खत्म होते होते ये जो कैंडल है ये बड़ा कैंडल बन जाएगा और इसके बाद एक अच्छा मूव फिर हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमने निफ्टी का डेली, वीकली और मंथली में हमने देखा बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है जो हमें 22,500 और 23,000 का लेवल भी दिखाने के लिए दिखा रहा है कि हम वहां पर तक भी जा सकते हैं। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है। बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग मोड पे है। बैंक निफ्टी जो है बहुत अच्छा, निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट दे रहा है इन दिनों। आप देखिए बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर भी देखेंगे दो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है तो कंफ्यूजन यहाँ पर भी है मार्केट में, यानी बायर और सेलर्स ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ऊपर जाए नीचे जाए। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पे है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत पीछे है, करीब करीब 2,000 पॉइंट, 48,500 इसका लाइफ टाइम हाई है। 48,500 अभी हम ये ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे 46,400 पे, 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे चांस है कि ऊपर जाएगा। तो आपको बैंक निफ्टी पे देखिए कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे 46,450, अगर बैंक निफ्टी ये लेवल को क्रॉस कर देता है 46,500 को और यहाँ सस्टेन करने लगता है, यहाँ देखिए गैप अप के बाद ये मार्केट इधर भागा था तो 46,500 के बाद ही जैसे मार्केट में अपसाइड आएगा फिर हमें 47,500 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसको 46,500 का लेवल को पार करना होगा। 46,500 जैसे ही पार करेगा, यहाँ सस्टेन करेगा, तब मार्केट में एक अच्छा बूम आएगा और 47,500 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट वीक के मंडे के दिन ही शायद, या मंडे ट्यूजडे के दिन ही। लेकिन इसको ये जो लेवल है 46,500 जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखिए सपोर्ट का काम किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार ये सपोर्ट का काम किया है। रेसिस्टेंस भी इसी तरह से ये गैप अप के बाद यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिखाया है 47,000 पे, काफी टाइम से रेसिस्टेंस का भी काम किया है ये। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है 46,500 के ऊपर मार्केट को निकलना होगा और सस्टेन करना होगा, फिर हमें 46,500 के बाद 47,500 और उसका हाई लेवल जो है 48,500 भी देखने को मिल जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग मोड पे बैंक निफ्टी खड़ा है, यहाँ पे 2000 पॉइंट का चांसेस है अपसाइड जाने का। अगर मैं HDFC बैंक का सहारा मिल जाता है तो बैंक निफ्टी और अच्छा मूव दिखाएगा, 2000 पॉइंट का रैली काफी जल्दी बैंक निफ्टी पे भी देखने को हमें मिल सकता है। ये हुआ डेली टाइम फ्रेम पे। नीचे गिरेगा तो कहां तक गिर सकता है, नीचे देखिए 46,000 का लेवल जो है एक सपोर्ट का काम करेगा, 500 पॉइंट अगर गिरावट होती है तो कम से कम, और ये मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। 46,000 का लेवल आप देख सकते हैं, 46,000 का एक सपोर्ट का काम करेगा पहला, और फिर उसको भी अगर तोड़ता है मार्केट तो दूसरा लेवल होगा 45,500। आप सिंपल भाषा में समझिए, 46,500 क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, फिर हमें 47,500 तक जा सकता है ये बैंक निफ्टी। अगर गिरावट होती है तो कहाँ पे होगी, 46,000 पे होगी, 46,000 तक गिर सकता है पहला सपोर्ट के लिए, दूसरा सपोर्ट इसका रहेगा 46,000 के बाद 45,500 और तीसरा जो इसका 200 डेज DMA है ये है 45,000 का लेवल। तो ये क्लियरली दिख रहा है गिरावट होती है तो कहां कहां तक गिरावट हो सकती है। का पहला गिरावट हो सकती है ये है 46,500, अगर गिरती है तो 46,000 तक गिर सकती है,
फिर हमें 45,500 और 45,000 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। ये सिंपल भाषा में हमें समझ में आ रहा है। अब बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। अब ये जो मार्केट है यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है, 46,500 का लेवल काफी स्ट्रांगली इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर इसके ये जो सपोर्ट है ये रेसिस्टेंस बन जाती है तो हमें अगला पड़ाव क्लियरली दिख रहा है कि जो ये जो अगला पड़ाव रहेगा 47,000 का रहेगा, फिर 48,500 का तक का रहेगा, और वो दिन दूर नहीं जब 50,000 भी बैंक निफ्टी चला जाए। तो बैंक वीकली टाइम फ्रेम पे भी समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल है क्रॉस करना होगा इसको, अगर ऊपर जाना है तो 46,500 को क्रॉस करना होगा, और यहाँ खाली क्रॉस करके टच करके आना नहीं होगा, यहाँ टाइम भी स्पेंड करना होगा, इसको ऊपर में टिकना भी होगा, यानी रेसिस्टेंस जो अभी 46,500 का है उसको एक सपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 46,500 कितना दिन से रेसिस्टेंस बना रहा है, एक सप्ताह, दो सप्ताह, तीन, चार, पांच सप्ताह, और इधर कितना मल्टीपल टाइम, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी 8-10 सप्ताह से ये एक रेसिस्टेंस का काम किया है 46,500, और जैसे ही 46,500 एक रेसिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, तब फिर हमें मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और वो लेवल फिर हमें रहेगा 47,500 का भी लेवल रहेगा, 48,000 का पावर का भी लाइफ टाइम हाई का टच करने का भी वो लेवल देखने को मिलेगा। ये हमें क्लियरली दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा वीकली टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है कि अगर 46,500 का लेवल को नहीं कर पार कर पाता है और गिरने लगता है बैंक निफ्टी, तो 45,500 का लेवल भी हमारे लिए खुला हुआ है, एक सपोर्ट का काम यहाँ करेगा। तो 44,500 नीचे अगर मार्केट डाउनफॉल होता है तो वो लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। बड़ा रेड कैंडल कभी बन जाए तो 44,800 यानी 45,000 का लेवल क्लियरली एक 200 डीएमए है, इसका डेली मूविंग एवरेज 200 डीएमए है, 45,000 इसको ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे हमने बैंक निफ्टी का बात किया। अब थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है। ये देखिए मंथली चार्ट हमने खोल लिया है। मंथली चार्ट में देखिए किस तरह से डोजी कैंडल बनाया है। यहाँ भी अभी फरवरी महीना पूरा बाकी है, ये जनवरी में रेड कैंडल बना था और ये था दिसंबर का बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। तो ये जो लेवल है ये लेवल है 46,500। अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना है ये लेवल को क्रॉस करना होगा, ये 48,000 का लेवल क्लियरली दिख रहा है, और अगर 48,000 का लेवल पार करता है तो फिर हमें 50,000 का लेवल भी कोई नहीं रोक सकता है। नीचे के डाउन ट्रेंड में देखिए 44,500 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो हमने तीनों चीजों पे बिंदुओं पे डिस्कस किया, निफ्टी का और निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी का भी डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, तीनों चीजें हमने डिस्कस किया। गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है कि सोमवार को हम शायद हल्के तेजी के साथ ही खुले 50 पॉइंट ऊपर। हालांकि अमेरिकन मार्केट का थोड़ा फ्लैट शुरुआत हुआ है, वहां पे थोड़ा रेड कैंडल देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आप इसका देखेंगे अमेरिकन मार्केट का हाल तो थोड़ी सी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। डॉ जोन्स 145 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, S&P 24 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, नेस्डेक 130 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो काफी इंटरेस्टिंग दिन रहने वाला है अगले वीक, काफी अच्छा प्राइस सेटअप दिखने को मिल रहा है। कैसा लगा ये आपको एनालिसिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर अपना राय रखें। मिलते हैं फिर आपसे किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।